वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 से अप्रॉक्स 9:30 का, 9 के बीच का टाइम होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के चिल्ला। और ये देखो आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहन रखी है क्योंकि आज है थर्सडे, तो थर्सडे को मैं जनरली येलो कलर ही पहनती हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं येलो कलर ही पहनना प्रेफर करती हूँ, कभी मिस हो गया भूल गई तो बात अलग है। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल के चिल्ला बनाने के लिए पहले अच्छे से दाल को भिगो दिया था, रात में ही भिगो दिया था, और उसके बाद उसको पीस लिया है खूब सारी अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल करके। और उसके बाद मैंने बस ऑयल इसमें तवे में ग्रीस कर दिया है और उसके बाद मैं इस तरीके से चिल्ले बना रही हूँ। और मूंग दाल के चिल्ले मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो समथिंग मैं आज उन्हें ये समझ सकते हो कि उन्हें खुश कर रही हूँ। क्योंकि आप हमेशा ये चीज़ होती है कि हम किस चीज़ के लिए अपने बड़ों को खुश करते हैं, तो जी हाँ, हमें गिफ्ट्स चाहिए होते हैं तभी हम अपने बड़ों को खुश करते हैं। क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ में मेरा बर्थडे भी आने वाला है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, लाइक करवा चौथ, दिवाली, मतलब अब कॉन्टिन्यू फेस्टिवल्स चलने वाले हैं। तो मम्मी मुझे अच्छी सी साड़ी दिलाएंगी या क्या दिलाती हैं वो तो अभी पता नहीं है, तो मुझे चाहिए गिफ्ट उनसे। तो मैं उन्हें थोड़ा सा खुश कर रही हूँ कि खुश रहेंगी तो मुझे अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दिलाएंगी। तो चलो जो कुछ भी दिलाएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखो मेरा चिल्ला यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फैल गया है, क्योंकि जो दाल का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था ना वो थोड़ा सा गीला हो गया था, तो इस वजह से मेरे चिल्ला, लेकिन ऑलमोस्ट बन गया है। वरना थोड़ा सा अगर दाल का पेस्ट स्मूथ रहता तो और अच्छे से बनते हैं। तो ये देखिए मेरे चिल्ला बन के रेडी हो गए हैं और इन्हें मम्मी सिरका के साथ खाती हैं, तो मैंने इसको सिरका के साथ। सो गाइस, अभी मैं किचन से आ चुकी हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और ब्रेकफास्ट सभी ने कर भी लिया है, बस अभी मैंने नहीं किया है, मैं पहले आपसे बातें ही करने लगी हूँ। और ये देखो अभी मैंने अपने बालों को बांधा भी नहीं है क्योंकि हेयर वॉश किया हुआ था तो बाल सूख रहे थे, तो जब सुखा रही थी उन्हें तो अब ऑलमोस्ट सूख गए हैं, अब बांध लूँगी। वरना खुले बाल में ना आद्या बहुत पकड़ पकड़ करके खींचती है, तो इस वजह से बांधना ज़रूरी है। और अभी मुझे आपसे एक बात करनी थी कि अभी ना बहुत सारे फेस्टिवल्स स्टार्ट होने वाले हैं, जस्ट लाइक नवरात्रि हो गया, करवा चौथ हो गया। करवा चौथ तो हम लेडीज़ का सबसे फेवरेट फेस्टिवल होता है और मतलब वन बाय वन आने ही वाला है। दीपावली हो गई, तो आप लोगों को किस टाइप का मेकअप लुक देखना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मे बी मैं उसी के हिसाब से करूं। क्योंकि आप लोग जब भी मैं मेकअप लुक निकालती हूं, जब भी मैं मेकअप वीडियोस डालती हूं, तो उसको आप लोग कम वॉच करते हो, तो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप लोग बताइएगा तो मैं करूँगी आगे, अदरवाइज ठीक है जो आपकी च्वाइस है उसी पर ध्यान दूंगी। तो बस यही है। और अभी मैं जा रही हूँ अक्षत को पढ़ाने क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो ज़्यादा बातें अभी नहीं कर पाऊंगी और मिलूंगी आपको थोड़ी देर के बाद ही, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखो इनका टेस्ट हो चुका है और अच्छा हुआ है टेस्ट, अक्षत ना मतलब अगर पेपर देना हो ना बहुत अच्छा लगता है, इसको पढ़ाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखना भी बहुत अच्छा लगता है, इनको सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, कैमरे में भी आना बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये देखो अभी हंस रहे हैं, तो चलो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो अभी अक्षत की क्लास ओवर हो चुकी है और मैं और आद्या बाहर करी पत्ता तोड़ रहे हैं, मतलब करी पत्ता मैं तोड़ रही हूँ और आद्या मेरी हेल्प कर रही है। ये देखो कैसे लगी हो, और ये मेरी हेल्प क्या कर रही है, लग रहा है पूरा पेड़ ही ये तोड़ डालेगी, तो मैं इसके साथ खेल भी रही हूँ। और मैं करी पत्ता इसलिए तोड़ रही हूँ कि रख लो पहले से तो फ्रिज में, तो कुछ भी बनाते रहो तो थोड़ा सा डाल दो, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है किसी भी रेसिपी का। Thank you.
और यहाँ पे आया है मार्केट से सामान, तो उसी को मैं डिब्बों में भर करके रख रही हूँ। जो भी चीजें आई हैं तो उन्हीं को निकाल रही हूँ। निकाल के भर लो, वरना ये भी एक काम पड़ा रहता है। और वैसे ना इधर उधर रख दो ना तो फिर ध्यान से निकल जाता है, फिर बहुत सारे काम पड़े रह जाते हैं ऐसे ही, और अच्छा नहीं लगता किचन में सामान बिखरा हुआ। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इस समय ना सब्जियां धो करके तो रखना ही चाहिए, मतलब कोरोना की वजह से तो हम लोग की आदत में आ गया है कि सब्जियों को 2 से 3 घंटे पानी में डाल के रखो। और काटते समय भी ना बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना इस टाइम की जो सब्जियां होती हैं उनमें कीड़े बहुत होते हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है सब्जियों को कट करते समय। बैगन वगैरह में तो इतने ज्यादा कीड़े हैं कि पूछो मत। और मम्मी यहाँ पे मुझसे पूछती जा रही है कि टमाटर ठीक है ना, मतलब ज्यादा गले तो नहीं है, तो वही मैं उन्हें बता रही हूँ कि नहीं ठीक है। और बस ये मेरा सामान यहाँ पे मैंने रख लिया है, और अब मैं इसे किचन में रख देती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो काफी दिनों से ये काम पड़ा हुआ था, हो ही नहीं पा रहा था। पूजा घर का मुझे पेपर वगैरह चेंज करना था, तो आज मैं अपने पूजा घर का मेकओवर कर रही हूँ, यहाँ की साफ सफाई कर रही हूँ। और काफी दिनों से आप लोग भी बोल रहे थे कि दी यहाँ पूजा घर का मेकओवर कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक पितृपक्ष चल रहा था, तो पितृपक्ष की वजह से हमने पूजा घर की साफ सफाई नहीं करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पितृपक्ष में पूजा घर की साफ सफाई नहीं करी जाती, और आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो इस वजह से मतलब मैं नहीं कर रही थी। तो वेट करते हैं नवरात्रों का, तो नवरात्र में ही करते हैं, लेकिन उससे पहले इस बार मलमास का महीना पड़ गया है, तो मैं इस वजह से अब मलमास के महीना में ही इसकी पूजा घर की साफ सफाई कर रही हूँ, तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अभी सारी तस्वीरों को नीचे उतार करके अच्छे से पोंछ पाछ करके रखा हुआ है, और वापस से उनको फूल माला वगैरह पहना रही हूँ। तो चलो मैं पूजा घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने ऑलमोस्ट वापस से उसी तरह अपने भगवान को सजा दिया है। और मंदिर ना जब अच्छे से डेकोरेट हो जाता है, मंदिर मंदिर की साफ सफाई हो जाती है पूजा घर की, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और हमारे यहाँ तो मतलब हर त्योहार को साफ सफाई करी जाती है, तो अभी अब त्योहार शुरू होने वाले हैं, तो अब ये सफाई पूजा घर की होती रहेगी। और ये देखो मैंने ऑलमोस्ट अपना सारा पूजा घर वापस से उसी तरह कर दिया है। तो चलो मिलते हैं। और अभी हम लोग का सारा काम हो चुका है, बस डिनर करना है, डिनर बन चुका है। तो अभी मैं अक्षत को थोड़ी देर इससे बातें करूंगी, इसके साथ गेम खेलूंगी, स्टोरी सुनाऊंगी इसको। और देखो ना मेरा फेस कितना डल लग रहा है ना, आज बहुत थकान हो गई है यार आज ना, क्योंकि रात में आद्या ने नहीं सोने दिया और सुबह दोपहर में अक्षत ने नहीं सोने दिया, तो मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो नींद ना होने के कारण देखो ये आंखों के नीचे कितना डार्क सर्कल सा हो गया है। और मम्मा थ्रेडिंग नहीं करवा पाई कई दिनों से कोरोना की वजह से। मैं एक दिन बोल रही थी ना कि मैं थ्रेडिंग नहीं करवा पा रही, तो ये कोरोना की वजह से ना थ्रेडिंग कराने में डर लगता है बाहर जाने में, तो ये वही बता रहे हैं आप सबसे भी। ये बहुत बातें नोटिस करता है ना, तो फिर इसी तरह से बोलता है कुच्चू। तो ऐसे होता है ना बच्चों को कुच्चू पुच्चू घर में लोग बुलाने लगते हैं,
तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और एक लड़का बदमाश आ रहा है और ये देखो, और ये ना जब मैं भगवान की अलमारी का कवर चेंज कर रही थी ना तो ये बार बार बोल रहा था इनको ना पिंक कलर नहीं पसंद है, इनको ब्लू कलर पसंद है। तो ये बार बार मम्मा से बोल रहा था कि ब्लू कलर लगा दो, ब्लू कलर लगा दो, लेकिन मैं कर चुकी थी तो मुझे फिर से बहुत मतलब मेरा काम बढ़ जाता ना, मैं फिर से उसको निकालती फिर ब्लू लगाती, तो इस वजह से मैंने इसके मन का नहीं किया। तो ये मुझसे थोड़ा सा नाराज है, गुस्सा है, बट कोई नहीं, कभी कभी चलता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।